हम जानते हैं तुम्हारा इशारा कहाँ पे है, लेकिन छबेली सोने की हार पे नहीं, सिर्फ प्यार पर जीतती है। आज हम हार कर भी तुम्हें जिता देंगे। तो खोलो मुंह और मेरा चूसो। कहानी की शुरुआत होती है चमेली से, जो एक कोटे पे नाचती है। उस कोटे में बड़े बड़े लोग आके चमेली का डांस का आनंद लेते हैं। चमेली का नृत्य खत्म हो जाता है, फिर चमेली अपने रूम में जाने के लिए निकलती है। तभी दगड़ूसेठ आकर उसके नृत्य की तारीफें करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दगड़ूसेठ चमेली को अपनी रात रंगीन करने के लिए कहता है, पर चमेली दगड़ूसेठ को आज के दिन साफ साफ करने के लिए मना करती है और वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में जाने के बाद चमेली अपने आप को शीशे में देखने लगती है। तभी पीछे से प्रधान आकर उसे कस के पकड़ लेता है और ये भी उसके तारीफें करने लगता है। फिर प्रधान चमेली को खुश करने के लिए अपनी जेब में से एक खूबसूरत सा हार निकालता है, जिसे देखकर चमेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर प्रधान उस हार को उसके गले में पहनाता है। अब बारी आती है चमेली की, जिसे अब प्रधान को खुश करना है, इसलिए वो उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ अपनी रात को रंगीन करने लगती है, जिससे कि प्रधान भी बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में मनोहर और हरिराम को दिखाया जाता है। यहाँ पर हरिराम मनोहर को समझाता है कि तुम जल्दी से शादी करके अपनी बूढ़ी माँ का बोझ थोड़ा हल्का कर दो, पर मनोहर है कि साधु संत यानी कि सदा ब्रह्मचारी रहना चाहता है, जिसके कारण वो शादी नहीं करना चाहता। फिर अगले सीन में दगड़ूसेठ अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो आज रघुआ के साथ मिलकर चमेली का बलात्कार करना चाहता है। क्या दगड़ूसेठ इस प्लान में कामयाब हो जाएगा, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में प्रधान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर कल सामूहिक विवाह का प्रोग्राम होने वाला है। पर सामूहिक विवाह के लिए 5 जोड़े चाहिए, पर सिर्फ 3 ही जोड़े सामूहिक विवाह के लिए तैयार हैं, जिसे सुनकर प्रधान गांव में से किसी को भी लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मनोहर प्रधान के घर आता है। मनोहर बच्चों से पंप के बारे में पूछने लगता है, तो बच्चू उसे कल सुबह 9 बजे आने के लिए कहता है। मनोहर तो मान जाता है, पर उसके साथ क्या होने वाला है ये तो उसे भी पता नहीं है। फिर अगले सीन में दगड़ूसेठ चमेली के पास जाकर फिर से अपने जिस्म की प्यास को देने के लिए कहता है, पर फिर से चमेली दगड़ूसेठ की बेइज्जती करने लगती है। चमेली दगड़ूसेठ की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दगड़ूसेठ इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर अगले दिन प्रधान के घर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चालू हो जाता है, पर वहाँ पर जोड़ की कमी है, तो बचुआ प्रधान को समझाने लगता है कि आप चमेली को इस खेल में शामिल कर दीजिए, मैं मनोहर को इस खेल में शामिल करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मनोहर अपने कागजात पर सिक्का लगाने के लिए प्रधान के घर आता है, तो बचुआ उसे इस खेल के बारे में बताता है, जिसे अच्छे से समझकर वो इस खेल को खेलने के लिए मान जाता है, क्योंकि मनोहर को सिक्का चाहिए तो उसे ये सब भी करना पड़ेगा, इसी वजह से उसे ये खेल खेलना पड़ता है। फिर प्रधान एक शादी का जोड़ा लेकर चमेली के पास जाकर उसे इस खेल में शामिल होने के लिए कहता है। अब चमेली को असलियत में ना सही, पर उसे शादी करने का मौका मिलता है, इसी वजह से वो इस खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर चमेली शादी के कपड़े पहनकर बाहर आती है और फिर प्रधान सभी जोड़ों का विवाह करने लगता है। चमेली और मनोहर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। अब सभी की शादी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पीए आकर प्रधान को बधाई देने लगता है और कहता है कि आज मंत्री साहब नहीं आने वाले हैं, वो 3 दिन बाद आने वाले हैं, तो आप सभी को घर भेज दीजिए और फिर 3 दिन बाद सभी को लाइए। अब प्रधान के पसीने छूटने लगते हैं, पर वो मनोहर से कहता है कि तुम 3 दिन के लिए चमेली को अपने घर में ले जाओ। पर मनोहर तो एक बाल ब्रह्मचारी है, वो हर किस ऐसा नहीं कर सकता, वो तो अपनी माँ की भलाई के लिए यहाँ आया था। मनोहर चमेली को ले जाने के लिए नहीं मानता, पर प्रधान और चमेली मिलके मनोहर को नल लगवाने का लालच देते हैं और मनोहर को ना चाहते हुए भी चमेली को अपने घर पर ले जाना पड़ता है। अब मनोहर चमेली को अपनी साइकिल पर बिठाकर अपने घर पर ले जाने लगता है। जाते समय गांव वाले उसके साथ दुल्हन को देखकर सभी चौंकने लगते हैं। फिर मनोहर घर पहुंच जाता है। मनोहर की माँ उसके साथ दुल्हन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसका स्वागत करने के लिए आरती लेकर आती है। मनोहर की माँ उसे घर के अंदर ले आती है। फिर रात को मनोहर दूध लेके चमेली को देता है और खुद बाहर सोने के लिए जाने लगता है, पर चमेली मनोहर को रोक के अपने पास ही सोने के लिए कहती है। फिर दोनों सोने लगते हैं, पर चमेली को मनोहर के साथ सो के अपने असल ज़िंदगी का पता लगता है, जिसे वो भावुक होने लगती है।
अब चमेली मन ही मन में सोचने लगती है कि वो मनोहर का बाल ब्रह्मचारी वाला खेल बिगाड़ देगी और उसके पीछे नारी भोग का ऐसा सुख लगाएगी कि वो शादी करने के लिए तरस जाए। अब ये करने के लिए क्या सच में चमेली सफल हो पाएगी, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अब चमेली ने यह ठानी लिया है कि वो मनोहर को संभोग का रोग लगाएगी, इसी वजह से वो अपने पास उसे खींच लेती है और उसके साथ जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगती है। अब मनोहर भी बहक जाता है और वो सीधा चमेली की खुदाई करने के लिए लगता है, जिसे दोनों को प्रेम क्या होता है इसका पता लगता है और ये दोनों घपाघप करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह चमेली और मनोहर उठकर बाहर आते हैं तो माँ जी कहती है कि आज घर के बाहर और स्नान घर में भी नल लग गया है, जिसे देखने मनोहर जाता है। उसके पीछे पीछे चमेली भी बाथरूम में चली आती है। बाथरूम में आते ही चमेली फिर से मनोहर पर प्यार बरसाने लगती है, जिससे कि मनोहर को संभोग की लत लग जाए। वो दोनों घपाघप करते करते नल का उद्घाटन भी कर देते हैं और दोनों खुशी खुशी रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह प्रधान मनोहर के घर आता है। प्रधान माँ जी को एक गिलास पानी लाने के लिए कहता है। माँ जी के जाते ही प्रधान चमेली के साथ छेड़खानी करने लगता है, पर इस बार चमेली प्रधान को सही सही जवाब देने लगती है, जिससे प्रधान भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। चमेली उसे इस घर से जाने के लिए कहती है और प्रधान भी बड़े गुस्से से बाहर निकल जाता है। फिर अगले सीन में दगुरु शेख शराब पी के चमेली नाम का कलंक मिटाने की प्लानिंग बना रहा है। फिर रघुआ दगुरु शेख को एक आइडिया सुनाता है। वो कहता है कि चमेली प्रधान की रखेल है, तो आप प्रधान से दोस्ती कर लीजिए, फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। फिर अगले दिन चमेली उदास होकर रोने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर माँ जी को पता चल गया कि मैं एक कोटे पे नाचने वाली छिनार हूँ तो उन पर क्या बीतेगी। इधर माँ जी अपनी बहू और बेटे के लिए खाना बनाती है। फिर मनोहर भी स्कूल से लौटकर घर आता है। फिर माँ जी खाना लेकर आती हैं और फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मनोहर चमेली को पायल पहनाता है, जिसे पहनकर चमेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दगुड़ुसेठ प्रधान के घर आता है। आकर कहता है कि आपको MLA का टिकट चाहिए और वो मेरी मुट्ठी में है और मुझे चमेली के कुएं में जाना है, तो मुझे चमेली चाहिए। ये बोलते ही दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। प्रधान भी मान जाता है, पर चमेली तो अभी गाँव में है तो प्रधान क्या कर सकता है। तभी पीए साहब आकर कहते हैं कि मंत्री साहब तो काम की वजह से नहीं आने वाले हैं। ये बात सुनते ही प्रधान चौंक जाता है और दगुरु सेठ कहता है कि अब आपकी जिम्मेदारी है चमेली को यहाँ लाना। अब प्रधान तो फंस गया यार। फिर रात को जब मनोहर घर आता है तो चमेली आज की रात उसके साथ रंगीन करना चाहती है, क्योंकि उसकी आखिरी रात है, इसीलिए दोनों रात को पलंग तोड़ करने लगते हैं। फिर अगली सुबह प्रधान मनोहर के घर आकर आंगन से ही चमेली को आवाज़ लगाकर बाहर आने के लिए कहता है। फिर माँ जी प्रधान की आवाज़ सुनकर बाहर आती है तो प्रधान माँ जी के सामने चमेली का सारा भांडा फोड़ देता है, जिससे माँ जी तो पूरी तरह से सदमे में पहुँच जाती है। फिर प्रधान चमेली को ले जाने लगता है, पर माँ जी अपना सारा गुस्सा उतार कर चमेली को वापस आने के लिए कहती है। फिर मनोहर प्रधान के पास जाकर चमेली को घर पर ले जाता है, जिससे प्रधान के होश ही उड़ जाते हैं। फिर रात को फिर से मनोहर और चमेली दोनों मिलकर अपने जीवन का आनंद लेने लगते हैं और इधर प्रधान और दगड़ू सेठ मिलकर चमेली को फंसाने का षड्यंत्र बनाने लगते हैं। और इसी के साथ ये रैबिट ऐप की वेब सीरीज की कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। आपको ये वेब सीरीज रैबिट ऐप के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और आपको इस वेब सीरीज में काफ़ी ज़्यादा हॉट सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज को देखिए। और अगर आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आज के वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।